The common people do not want this. They want only glossy and thoda Hema Malini ka dance. That's right. It is wrong. Don't undermine the audience, sir. Do you know the people, those who break stone aur raat ko kirtan karte hain, kabir ka doha gaate hain, abhi bhi gaate hain. To hum ek mahol desh mein paida kare. Main Lata Mangeshkar ki music bhi sunna chahta hoon aur ghazal bhi sunna chahta hoon. कबीर का दुआ भी सुनना चाहता हूँ एंड किशोर यमन करके भी सुनना चाहता हूँ और ग्रेगोरियन चांस एंड रॉक म्यूजिक भी सुनना चाहता हूँ एंड फोक एंड ट्राइबल म्यूजिक आल्सो. कमला देवी चट्टोपाध्याय करके बड़े ग्रेट लेडी थी 50s में. वो कहती थी कि वीवर्स ऑफ इंडिया हैव सर्वाइव्ड बिकॉज इंडियन वीमेन वेयर सारी. वेरी सिंपल इज दैट. सो एज एन आर्टिस्ट आपको अपनी जर्नी कैसी लगती है? कहीं ना कहीं आपके कुछ काम नहीं में है, कुछ नहीं, आपके काम में डिसिल्यूशनमेंट आई है आपकी जो खुद की यू नो ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द एलिमेंट्स आता होगा मुझे निमा. सुनिए नाउ आई विल बी 70 इन दिसंबर. ओके आई फील आई हैव डन नथिंग वर्थ वाइल. अच्छा 50 आइडियाज है हो नहीं पा रहा है. आपके नजर में वर्थ वाइल क्या है? वर्थ वाइल सुनिए जो एक पॉलिटिशियन बनता है तो प्राइम मिनिस्टर बने तो आखिर हो जाता है ना, उसके बाद तो कुछ नहीं है जी. एक स्पोर्ट्समैन है, ही गोज टू ओलंपिक गेट्स अ गोल्ड मेडल एंड ऑफ इट. बट अ क्रिएटिव पर्सन्स प्रोसेस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. वी आर ओनली ट्राइंग अ लिटिल बिट. देयर सो मच ऑफ ग्रेट वर्क हैज बीन डन इन द पास्ट इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया. लुक एट द टेम्पल आर्किटेक्चर, लुक एट द विलेज आर्किटेक्चर, लुक एट नाथद्वारा का, लुक एट शेखावटी का राजस्थान में घर, 10,000 वैरायटी ऑफ पेंटिंग, फड है, पटचित्र है, दीवार में फ्रेस्को है, वगैरह वगैरह. यू नो जब से आप शुरू हुए पेंट करना, पेंटिंग आपके लिए जो प्रोसेस है आपको क्या लगता है कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं? मैं मुझे नहीं मालूम, मैं अपना काम देखता ही नहीं. अच्छा. ये जो नुमाइश लग रहा है ना, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग टू सी माय वर्क. आई सी द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस. Achha. But when I paint, I turn the paintings after it's finished. I don't look at my work. You need a distance. Yeah. Aap samajh rahe? When you're too close to it, you can't see it. Yeah. That's it. And besides, some artists are very complacent and self-absorbed. Ji. To apna kaam ko dekh ke, you see, let's put it this way. There are some artists who put their own paintings in the house. I never put my own painting in the house. I put my friend's works. Ji. Back. Jatin ji, kisi ko bhi curiosity hoga ki aap का खुद का पूरा क्रिएटिव प्रोसेस कैसा है? यू नो व्हेन डज अ पेंटिंग रियली बिगिन टू हैपन टू यू, उसके बाद हाउ डू यू टेक ओवर एंड फिर वो प्रोसेस कैसे अनफोल्ड होता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कस अबाउट योर ओन वर्क, नंबर वन. नंबर टू, आल्सो द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ पेंटिंग. सो हाउ डज द प्रोसेस स्टार्ट? आप जो कागज खरीद के लाते हैं दुकान से केयरफुली, सो दैट्स व्हेन इट स्टार्ट्स. कागज को जेंटली रोल करके लेके आए, फिर देन यू पुट इट ऑन द बोर्ड, देन यू लुक एट इट, देन आइडियाज कम, देयर मेनी ड्रॉइंग्स टेक्स प्लेस इन योर माइंड ऑन द पेपर, देन यू स्टार्ट. वंस यू स्टार्ट द लाइन टेक्स ओवर. व्हेन यू राइट अ पोएम, आई एम श्योर यू राइट पोएट्री, व्हेन यू राइट द फर्स्ट लाइन और द फर्स्ट वर्ड, उसके बाद चलते रहता है, द रिवर फ्लोज. सो व्हेन योर फर्स्ट यू नो लाइन टेक्स टू द पेपर, तो उस वक्त आपको नहीं पता होता कि आप क्या बनाने वाले हैं. वो धीरे 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 प्रोसेस में सारा चीज है, एक जुनून है और वो होते जाता है. थीम होती है आपके दिमाग में? नहीं, यू सी देयर इज अ रॉन्ग नोशन. आर्टिस्ट, सम आर्टिस्ट पेंट टू अ थीम. सॉरी आई कांट टॉक ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स. आई डोंट पेंट टू अ थीम. अच्छा. आई पेंट टू व्हाट यू आर फीलिंग एंड माय पेंटिंग्स मेक अ डायरेक्शन. जब कोई खूबसूरत लड़की रास्ते में मिले तो आप उसको देखे, फिर दोबारा देखे ना, हैं? तो देन यू फॉलो. सो इट्स लाइक दैट. कहीं फ्रेग्रेंस आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? सो लाइक दैट. सो यू फॉलो योर ओन पेंटिंग. सो द फर्स्ट यू स्टार्ट योर पेंटिंग, देन द पेंटिंग डिक्टेट्स यू वेयर टू गो, देन यू डिक्टेट द पेंटिंग एंड सो ऑन. इट्स अ टू वे रिलेशनशिप. दैट्स राइट. इज देयर ऑलवेज अ वेरी सॉलिड पॉइंट जब आप पहुंच के, जब आपको लगता है कि ये अब फिनिश हो गई है? नहीं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड. देयर इज नो 100% प्रूफ. नंबर वन, सिर्फ आप देखने में लगता, अच्छा ये पेंटिंग यहां छोड़ता हूं. सो
there is an expression used by all artists all over the world in every period, where to stop. कभी कभी मैं एक पेंटिंग देखता हूँ दोबारा 10 साल के बाद मुझे लगता है इसमें और भी काम करना चाहिए और कभी लगता है कि इसमें ज्यादा काम कर दिया। आपने फिगर्स को चूज किया, ऑफ कोर्स यू स्कल्प्ट, यू पेंट, यू डू म्यूरल्स एंड ऑफ कोर्स यू राइट पोएट्री आल्सो, आई एम गोना कम टू दैट। यू चूज फिगरेटिव फॉर्म ऑफ टेलिंग योर स्टोरी। मुझे ऐसा लगा शुरू से, ऑल्दो आई डू आल्सो लैंडस्केप्स एंड फ्लावर स्टडीज एंड एनिमल्स, ये सब करता हूँ, बट नॉर्मली मेरा काम में एक नहीं तो दो फिगर्स आते हैं। ये भी वजह है कि शायद अबव एवरीथिंग एल्स आप ह्यूमन रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नो, यू सी पेंटिंग हैज अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड वन हैज टू नो दैट लैंग्वेज। इट इज नॉट अ इलस्ट्रेशन और कॉपी और रिफ्लेक्शन ऑफ माय लाइफ ओनली और माय थॉट्स, इट्स अ एमलगमेशन ऑफ मेनी थिंग्स। काम बताता है क्या करने के लिए, दैट इज वन थिंग। आपको इंट्यूटिवली पता चल जाता है कि मुझे इसमें किसकी जरूरत है और किसकी नहीं। जो सितार बजाते हैं उंगली को देखते नहीं है कि ये कौन सा राग बजा रहा हूं, आप मन में नहीं रखते, वो बजाओ तो अपने आप बजते जाता है ना, फ्लो अलोंग। सो दैट्स राइट। व्हाट इज द एम ऑफ एनी पीस ऑफ आर्ट? दैट्स वंडरफुल क्वेश्चन। देयर इज नो एम, उसका कोई मकसद नहीं है। पेंटिंग बेचने के लिए नहीं करते हैं और किसी को दिखाने के लिए, नुमाइश के लिए भी नहीं करते हैं। आई लिव ऑन द सेल ऑफ माई पेंटिंग बट आई डोंट पेंट फॉर सेलिंग। वेरी फेमसली पीपल से दैट योर मेन, यू आर रियली इनटू डिपिक्टिंग मैन वुमन रिलेशनशिप्स, द वेरियस शेप्स। ओ, वेबसाइट में आर्टिकल में लोग लिखते हैं, आई हैव डेल्ट विद मैन वुमन रिलेशनशिप, I've dealt with tension between man and woman. I've dealt with tenderness of man and woman. I've dealt with woman only. I've dealt with man only. I've dealt with anguish, angst of people. So many things. These are different human emotions I've dealt with. That too, not as a cultivated, calculated process. ऐसे कोई colors हैं जो आपके जहन के सबसे नजदीक हैं? I have nothing. No favorite, but हाँ, palette में क्या आ जाता है वो अलग बात है। अच्छा। It's not predetermined. अच्छा, the color choice is also not predetermined. You just pick it on intuition. I know, I put all the color. नहीं, the painting demand करता है। Demand करता है। जैसे कि मेरे पास ये जैकेट था, ये शर्ट था, मैं जानबूझ के कलर मैच करने के लिए नहीं किया, लेकिन कोई भी देखेगा सोचेगा इसको मैच करने के लिए किया है। जी। और सपोज आई पुट ऑन द टोपी, कोई बोलेंगे बाल नहीं है इसलिए टोपी पहन रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, पीपल मेक क्विक डिडक्शंस एंड जजमेंटल विद अ वेरी लिमिटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या जी, ये जो पूरी जर्नी आपकी है एज एन आर्टिस्ट, इन अ वे यू आर ब्लेस्ड दैट यू हैव दीस एस्थेटिक्स, यू नो, यू आर बोर्न विद दिस। एवरीबॉडी इज बोर्न विद सम क्रिएटिव फैकल्टी। Yeah. We are not tapping into it. Yeah, that's right. Right. What has this whole journey given you, the person that you've become? The whole journey is blood and sweat flown under the bridge. Lot of pain, lot of anguish, lot of anxiety, lot of pleasure, lot of angst. All this. It's quite tough to be an artist. Koi kalakar banna. जैसे कि छुरे की धार पर चलना, जी, अपने आप को कट कट जाए नहीं तो उसका पर चलते जाए। कोई भी इंसान खेती करे कि म्यूजिक करे कि पेंटिंग करे, कुछ भी करे, मन लगा के करे ना, उसमें घुस जाए ना, उसके लिए भी वही है। वो धार क्या है? व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स? नो, इट्स नॉट अ ऑब्स्टेकल, इट इज टू विद एथिक्स, विद डिग्निटी, विद वैल्यूज, विद कॉन्सेप्ट, विद नो कॉम्प्रोमाइज, दैट इज द धार। इट्स डिफिकल्ट, certainly difficult. Believe me, I have not entertained people whom I don't like, whom I do fantastic write up on me or buy 20 paintings of mine. If I didn't like them, I didn't entertain them in my studio. Acha, you once said bahut sara fake, bahut sara pseudo art is floating around. No, bahut sara art kyun, har cheez mein pseudo ban rahe hain. आर्ट का प्योर होना वो कोई कैसे जाने? नो, ये जो प्योर इम्प्योर है ना, I'm not making any social judgmental, ये purity का बात है। एक सारा माहौल से निकलता है। अच्छा, what is this whole beauty of a fan which has attracted you and made you such a collector of so many of them? मैं पागलपन से बहुत सारे चीज कलेक्ट किया हूँ। 27 साल पहले मेरे एक दोस्त ने गिफ्टेड मी ए वेरी ओल्ड एंटीक फैन, और बहुत बढ़िया था।
और एक दिन मैंने सोचा कि ये पंखा कलेक्शन शुरू करो। ऐसे कलेक्शन के साथ साथ फिर उसका मेथोडोलॉजी हुआ, टाइपोलॉजी हुआ, फिर वैरायटीज, फिर चाइनीज एंड जापान गया था, वहाँ से लेके आया, अफ्रीका से, इजिप्ट से, बाली से, इंडोनेशिया से, और हिंदुस्तान में तो बहुत वैरायटी है, बहुत आपकी जो फुलकारी पंखी तो मेरे पास बहुत है, खजूर की पंखी है, पाकिस्तान का पंखी, श्रीलंका का, बांग्लादेश का, कोई पागल हो जाएगा पंखे जो, और अभी हिंदुस्तान सारा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। तो ये आप गोइंग टू डोनेट इट टू द नेशन व्हेन दे डू द पंखा म्यूजियम। यू आर अ स्कल्प्टर, यू आर अ पेंटर, यू राइट पोएट्री। जी, ऐसा होता है कि कभी कभी एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन काफी नहीं पड़ता तो हम दूसरा खोजते हैं। नहीं, ऐसे भी नहीं है। हम जो है ना, एक ह्यूमन बींग इज अ कॉस्मोस, अलग अलग मौसम में हम बदलते रहते हैं, और जैसे पेड़ पौधा जानवर, हम ऐसे ही वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर, दिस इज वन, एंड आवर नीड्स आर डिफरेंट। कभी आप मिर्ची के साथ खाते हैं, कभी दही के साथ खाते हैं, एंड यू शुड ट्राई एंड लिव अ होलिस्टिक लाइफ, तो फिर मस्ती है, नहीं तो ऐसे है ही। अच्छा, आप नेशनल फिल्म अवार्ड्स की ज्यूरी में भी था बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले। यू नो, एज एन आर्टिस्ट यू बाउंड टू गो इनटू डिटेल्स व्हिच आर मोर टुवर्ड्स एस्थेटिक्स एंड कलर्स, एंड यू नो, सिंस यू आर एन आर्टिस्ट, डिड इट समटाइम्स बिकम डिफिकल्ट टू इवन पिक अ सिंगल फिल्म, बिकॉज सिनेमा वुडंट समहाउ नो, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन सिनेमा, इज अ पार्ट ऑफ विजुअल एंड प्लास्टिक आर्ट्स, एंड मेनी ऑफ द फिल्म मेकर्स आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन, सो आई डू सी समटाइम गुड फिल्म्स। ये कचरा कमर्शियल देखता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी दोस्तों के साथ मूंगफली खा के भी कमर्शियल देखा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो फिल्म चूजिंग वगैरह तो फिर एक अलग हो जाता है। वो किस बेसिस पे आप? नहीं, वो होलिस्टिक, अगेन आई लुक एट टोन, आई लुक एट द स्पीच, आई लुक एट द कॉन्सेप्ट, आई लुक एट द आइडियाज, आई लुक एट द एक्टिंग, आई लुक एट द वगैरह सब। योर डॉटर इज आल्सो अ वेरी अकम्प्लिश्ड एक्टर, शी इज एन एक्ट्रेस। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हर एज एन एक्टर? सिनेमा, शी इज वेरी सिंसियर, शी ऑल्सो, मेरा खून है ना उसमें जी, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, मेरा बेटा बेटी कोई भी जी, एंड माई सन इज अ डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, माई डॉटर इज एन, बट माई डॉटर इज जस्ट नॉट एन एक्ट्रेस, शी इज नॉट ओनली एन एक्टिविस्ट, शी डज सोशल वर्क अ लॉट, एंड दैट्स व्हाई शी स्टडीड सोशल वर्क व्हेन शी वाज फर्स्ट क्लास इन दैट, यू नो, so she goes to quietly to villages and work there. Was it a conscious choice to bring your children up in that particular way? No, not at all. I have not forced them what to study at all. Ji. As a matter of fact, I remember when my daughter was appearing for the final school, I took her to a cinema previous night. Acha. Cinema dekhne le gaya. Main bola, har roz padhti hai, to we have never told the kids today. Everybody is pressurizing the kids to stand first. Right. She used to stand first. Yeah. But we have never said ki padhai karo, abhi padhai karo, abhi nahi karo. You know, never. The whole style. You see, it should be all natural. The whole idea of study is to enlighten yourself, to be knowledgeable, you know, not for collection of data and information. Finally, what do you look forward to? Some peace and happiness, many things that I haven't done. You have a lot of expectations from yourself. For myself, yes. And many parts of India, although I've traveled widely, Ji. I've still not done more than 10%. How to see interior landscape of India. Thank you so much, Jatinji, for talking to us. Thank you, wonderful. And it was wonderful talking to you. Thank you. Thank you so much. Lovely. Thank you. सच में, नजर जिस भी तरफ जाए, कला का एक अतुल्य प्रमाण मिलेगा। इसी प्रमाण का चिन्ह ढूंढते चल रहे हैं जतिन दास और हम, Between Us.